नमस्कार, आप देख रहे हैं News 22 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। अर्थभोगी समाज ऐसे बदलता जा रहा है जहां छोटे परिवार में अब बुजुर्गों को रखना भी परिवार अपने को बोझ महसूस कर रहा है। ऐसे परिवार की देखरेख के लिए हर जनपद में वृद्धाश्रम खोले गए हैं। वृद्धाश्रम में रह रहे माता पिता के बच्चों को दूसरों से भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। जो अपने माता पिता की सेवा करते हुए इन वृद्धों को भी अपने आप अपने आय का मामूली अंश निकाल कर सेवा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं मनियार के रामपुर पूर्व निवासी सोनू सिंह की, जो हमेशा अपने कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर समाज सेवा में लगाते हैं। वह रविवार के दिन गढ़वार के वृद्धाश्रम में पहुंचकर वहां के वृद्धों को फल एवं 2 माह की दवा वितरित किए। उनके साथ में सुनील पाठक, इंद्रभूषण सिंह, ब्रजेश तिवारी मौजूद थे। सोनू सिंह की अक्सर समाज सेवा में रुचि रहती है। वह गर्मी के दिनों में कभी कभी हॉस्पिटल पर प्याऊ की व्यवस्था करते हैं तो स्वास्थ्य शिविरों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर पर एक मामूली कर्मचारी हैं। बलिया उत्तर प्रदेश से News 22 इंडिया के लिए जिला ब्यूरो चीफ आनंद मोहन मिश्रा की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 22 इंडिया। खबर भी, असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।